मित्र के साथ मित्र ने कैसी वफादारी निभाई। जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में कि धीरज धर्म मित्रय नारी आपति काल परखिए चारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अंत में उन्होंने ये भी लिखा, सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सुल समचारी। लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास के सेवक सठन रप कृपन कुनारी, यानी मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, बदचलन औरत और कपटी मित्र सूल समचारी। मित्र अगर कपटी है तो ये सब चारों जो हैं कांटे के समान होते हैं। तो आइए देखते हैं एक मित्र ने अपने मित्र के साथ कैसी वफादारी निभाई। दिमाग में सिर्फ ये आया कि मतलब के बिना हरी, मतलब के बिना कोई न किसी का है प्यारा, मतलब के बिना कोई न किसी का है प्यारा। और बिन मतलब के इस दुनिया रे, मतलब के बिना कोई न किसी का है प्यारा। बिना मतलब के कोई किसी की बात नहीं सुनना चाहता, बिना मतलब के कोई किसी के पीछे नहीं घूमता, और मतलब हल हो जाने के बाद कोई कभी मुड़ के नहीं देखता। वो कारण ये, जब तक बैल चलत तो है हर में तब तक डारे चारा, जब तक बैल चलत है हर में तब तक डारे चारा। वृद्ध भाव सोई दो कसाई न गर्दन चल रो आरा रे, मतलब के बिना कोई न किसी का है प्यारा। तो आइए देखते हैं बिना मतलब के, और एक मित्र ने अपने मतलब को हल करने के लिए कैसा पागल बनाया उसे। अरे दो मित्रों का हाल सुनो, दोनों में दोस्ती भारी थी, नहीं कमी किसी भी बात की थी, घर में दोनों के नारी थी। एक था थोड़ा सज्जन सा पर दूजे की बड़ी गद्दारी थी, पर प्रेम निभाना था उसको केवल उसकी लाचारी थी। लेकिन बात एक और बन गई, कछु आई गरीबी गई दोनों पर, हर की कला न्यारी थी, करे नौकरी बाहर चल दोनों ने करी तैयारी थी। जब घर में थोड़ी सी कमी आ गई,
दोनों मित्रों ने, दोनों भाइयों ने सलाह मिलाई कि चलो बाहर चल करके कहीं नौकरी करेंगे। नतीजा ये हुआ, सोई लेके कच सामान के दोनों, लेके कच सामान के दोनों, आगे को मार्ग निहारा रे, मतलब के बिना कोई न किसी का है प्यारा, मतलब के बिना कोई न किसी का है प्यारा। जिस समय वो दोनों, जब थोड़ी सी गरीबी नजर आई है तो दोनों चले हैं कि चलो भैया हम और तुम कहीं मजदूरी करेंगे, थोड़े दिन नौकरी करेंगे, उसके बाद लौट करके घर आ जाएंगे। फिर दोनों मित्र जो थे वो घर से चल देते हैं, अपने परिवार को त्याग करके, घरवार को त्याग करके और अपनी औरतों को छोड़ करके जब चले हैं। अरे घर से सामान खान और पान बांध के छिन में, और चल दए दोनों मित्र रे के नारित जी आंगन में। दोनों मित्र अपनी औरतों को छोड़ करके घर में और परदेश के लिए रवाना होते हैं। घर से खान पान जो भी था वो बांध लेते हैं, बाहर जाकर के न जाने कब मजदूरी मिले। आगे बढ़ गए, हुआ ऐसा, हाय चले दोनों बलवान बड़ो हैवान मगन है मन में, पर रास्ता गए हैं भूल पहुंच गए बन में, सज्जन जो था जिसका नाम था राम सिंह और जो दुर्जन था जिसके हृदय में कपट के अलावा अच्छी रीत अच्छी भावना नहीं थी उसे लोग बलवान कहते थे, वही बलवान, चलो संग बलवान बड़ो है बान मगन है मन में, मगन है मन में, पर रास्ता गए हैं भूल पहुंच गए बन में, रास्ता गए हैं भूल पहुंच गए बन में। दोस्तों जो सज्जन था जिसे लोग राम सिंह कह के बुलाते थे, जो थोड़ा सा हैवान था जिसे लोग बलवान कहते थे, आज वो दोनों मित्र अपने घर से खान पान का सम्मान बांध करके नौकरी करने के लिए गए, लेकिन रास्ता भटक गए और ये दोनों एक जंगल में जब पहुंच गए, हुआ ऐसा, अरे नायरा समझ में आई, अरे नायरा समझ में आई, पहुंचे एक जंगल में जाई, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए दोनों मित्र। उसके बाद में जो हैवान था जिसका नाम था बलवान, वो कहने लगा, अरे कहे बलवान निकालो भैया भोजन हमें खराइयो। चतुरता से चालाकी से सोचने लगा, जो हमारा भोजन बंधा है उसे बंधा रहने दो, इसका भोजन कर लें उसके बाद में फिर देखा जाएगा। भैया भोजन हमें करइयो, जब निघट जाए गो पास तुम्हारे मत दिल में घबराइयो, महाराज के पानी और भोजन मेरे पास,
अपना बांध के बाद में खाई मानो मेरी आस। सोई सुन के इतनी बात मित्र ने रोटी दे दी, सोई सुन के इतनी बात के फौरन भोजन दे दी। कहने लगा भैया एक काम करो, अब भूख से हमारे प्राण निकले जा रहे हैं, मैं बड़ा परेशान हूं, ऐसा करो अपना भोजन थोड़ा सा मुझे दे दो और फिर चिंता मत करो, अगर तुम्हारा खत्म हो गया तो मेरे पास तो रखा है, ये बाद में खा लेंगे हम और तुम। वो बेचारा नहीं समझ पाया, भोजन निकाल करके दे दिया। उसके बाद में फिर ऐसा हुआ कि दोनों इतनी रास्ता भटके जो किसी को यही ज्ञान नहीं रहा कि हम कहां जा रहे हैं। नतीजा यहां पहुंच गया है दोस्तों के बन में दोनों अब भटक रहे, और कैसी हर की लीला न्यारी। वो दोनों मित्र जंगल में भटक रहे हैं, अब उसका भोजन तो उसने कर लिया, उसके बाद में फिर नतीजा ये हुआ वन में दोनों अब भटक रहे, कैसी हर की लीला न्यारी। नाए खान पियन को कछु मिलो बलवान करी है गद्दारी। अपने मित्र का भोजन सब कर लिया, अब वन में भटक रहे हैं। जब उस वफादार के पास में राम सिंह के पास में कुछ भी नहीं रहा, हुआ ये जब भी भोजन मांगता था वो नीर मांगता था, कहता आगे चल के पीना। अब जब उसका भोजन और नीर जो भी बंधा हुआ था सब वो पी गया और सब भोजन कर गया, हुआ ऐसा कि जब वो बेहोश होने लगा जिसके पास भोजन नहीं रहा, जब भी वो नीर मांगता था बोला थोड़ा आगे पीना। नहीं दर्द देखता था उसका कैसा पत्थर का सा सीना। नतीजा ये हुआ नहीं पैदल चला जाता था, बेहोशी आती जाती है। नहीं मित्र को देख दुखी मन में कैसी पत्थर की छाती है। नतीजा ये हुआ भक्त जनों कि जिस समय दूसरा जिसके पास कुछ भी नहीं रखा वो बेहोश होने लगा, अब जब वो कहता है कि भैया थोड़ा अपने में से पानी हमें दे दो, क्या मैंने तुम्हें पानी नहीं पिलाया। कहने लगा हम तेरी तरह से पागल थोड़ी नहीं है जो तुझे अपना पानी पिला दे। बात ये है अरे कपटी बोला मित्र मेरे मत दिल में शंखा लाइयो। But
पिला लियो, पानी पीना चाहते हो एक आंख अरे फुरबाइयो। कपटी ने ये कहा, बेहोश होते जाते हो बिना पानी के, हम तुम्हारी तरह पागल थोड़ी नहीं है, सब पानी पिलाते हैं और हम पागल बने फिरे, अगर पानी पीना चाहते हो तो एक आंख फुड़वा लो। महाराज सुनत ही बैन उड़ी गए होश, और ना ही चैन पड़ो है, बात तो है किस्मत को दोष। भैया पनिया की भुरवाई बचाई थोड़ी सी जिंदगानी, पाने अपनी आगे थोड़ाई बचाई थोड़ी सी जिंदगानी। यानी जिस समय उसने ये कहा कि तू बेहोश होता चला जा रहा है, अगर तू अपनी एक आंख फुड़वा ले तो हम तुझे पानी पिला देंगे। अब बेहोश हो रहा था बेचारा, मरा जा रहा था पानी के बिना। वहां जब कोई पेश नहीं गई तो उसने कहा, भैया ठीक है तू हमारी एक आंख फोड़ ले, उसके बाद तू थोड़ा सा पानी हमें दे दे। पानी थोड़ा सा दिया जिससे जिंदा बना रहे मात, उसके बाद आगे जंगल में फिर और बढ़ गए हैं। नतीजा ये हुआ दोस्तों, दोबारा जब बेहोश हो गया वो, तो उसने पानी नहीं दिया दगाबाज ने। अरे कैसी दोस्ती को फर्ज, अरे नीच ने कन दया बिचारी दे। वहां कोई परिवार ही नहीं था, कोई हितकारी नहीं था, स्त्री भी घर में रह गई थी, कोई भाई नहीं था, केवल मित्र दो ही थे, जंगल में भटक रहे हैं। कटारी बन के बीच है मित्र की आंख निकारी। दर्द के मारे दाम सिंह की छुट्टी ददा बवतारी। अब खून को छुटो फुहारो जाकी पोसा की कछु बूदे फिर तीनी मुख में डारी रे। दोस्तों हुआ ये, जब अपने मित्र की आंख फोड़ दी उसके बाद में थोड़ा सा पानी दे दिया, दोनों नेत्र उसने फोड़ दिए, नतीजा ये हुआ। अब उठ के गिर गए है धरती पे कायर करी मेरी ख्वारी रे। बचो जो ही के मित्रता को फल कैसी निभाई यारी रे। नतीजा ये हुआ कि अपने मित्र की आंख फोड़ने के बाद पानी देता है, दूसरी बार जब बेहोश हुआ है तो उसने दूसरी आंख भी फोड़ दी है, उसके बाद थोड़ा सा पानी दिया और अंधे मित्र को वहां छोड़ करके फिर आगे के लिए जो भी घर में माल था वो लेकर के भाग खड़ा हुआ है वहां से, अपने मित्र का छीन करके। भाइयों कहने का मतलब ये है, अरे सब दौलत लई उठारे के मारी नीच खटारी।
की थब छोड़ दई डिडकारी। दौलत लेकर के अपने मित्र की आंखें फोड़ करके जब चल देता है, उसी समय दोनों हाथ जोड़ करके वो तड़पता हुआ मित्र कहने लगा है जंगल के बीच में, भैया मेरे भ्राता हमारे घर को तुम जइयो, पूछे मेरी नारी जाय के बात को समझइयो। जब दोनों नेत्र फूट गए हैं तो वो अपने मित्र से कहने लगा, जा रहे हो तो जाओ, महाराज कह दियो घर मेरे में जाए, और भटक गए थे जंगल में उन्हें लाओ से रहे खाए। तुम जीवन में रहो सुखारी, मित्र को फर्ज दियो तूने, तुम जीवन में रहो सुखारी, मित्र को फर्ज दो। जिस समय अपने मित्र की आंखें फोड़ करके और जो भी दौलत थी उसके पास, जो भी पैसा था, सब लेकर के मित्र चल देता है, तड़पता हुआ वो मित्र कहने लगा, जा रहे हो तो तुम जाओ, लेकिन मेरी स्त्री अगर पूछे तो कह देना कि तुम्हारे पति को एक शेर ने खा लिया है, अन्यथा मेरे घर वाले मेरे बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। उसने जरा भी दया नहीं की और अपने मित्र को तड़पता हुआ छोड़ करके वहां से चला जाता है। अंत में दोस्तों हुआ ये कि जहां वो तड़पता हुआ रह गया था, वहां रात में अरे उसी पेड़ पे रात को एक हंस हंसिनी आए, जहां वो पेड़ के नीचे सिसक रहा था, हंस हंसिनी का जोड़ा आकर के उसी वृक्ष के ऊपर बैठ जाता है रात के समय। अरे उसी वृक्ष पे दूर से कई हंसा हंसिनी आए, और बैठ गए बेर रात में फिर आपस में बतलाए। आंखें तो फूटी हुई थी उसकी, जब हंस हंसिनी आपस में बातचीत करने लगे हैं तो वो सुनने लगा। हंसिनी कहने लगी, एक काम करो, कोई ऐसी बात कहो जिससे समय पास हो जाए। हंस कहने लगा, तुम ही कहो। जवाब दिया, नहीं नहीं, पति को कहना चाहिए, पत्नी को सुनना चाहिए, आप ही कहो। तो हंस कहने लगा है, हे प्यारी मेरी नारी पास में रहो, तालाब दिखाए, सब ही रोग कटेंगे, बाके जो ले के तुरंत नहाए। सोई सुन के ये तनी बात हो, सुख दिल में आओ है, सोई सुने हंस के बैन हो कछु फौरन आओ है। हंस कहने लगा है, हंसनी ये समय ऐसा है, ये घड़ी ऐसी है, इस घड़ी में यहां बगल में एक तालाब है, उस तालाब में अगर कोई स्नान कर ले तो वो तुरंत ही शरीर के सारे रोग दूर हो जाएंगे। जो इतने वचन सुने हैं तो दिखाई नहीं पड़ रहा था उसे रात में अंधेरे में। अरे सिकली सिकली के ताला ढिंगाया, और अमरा तो सो जल खोरे पायो, जिस समय वो हंस के वचन सुन करके सिकिल सिकिल करके तालाब के करीब आता है, उसमें गिर करके नहा लेता है, तो शरीर निरोग हो गया, नेत्र जैसे थे वैसे ही हो गए, स्वस्थ शरीर हो गया, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ी अमानत है। गोस्वामी तुलसीदास भी लिखते हैं रामायण में कि पहलो सुख निरोगी काया, और दूजे सुख होई घर में माया।
सुख सुत आज्ञाकारी, चौथो सुख सुत आज्ञाकारी। तुलसीदास भी लिखते हैं रामचरितमानस में के पहलो सुख निरोगी काया और दूजे सुख होई घर में माया, तीजो सुख सुलक्षिण नारी और चौथो सुख सुतयाज्ञाकारी। यानी पहला सुख वो है जो शरीर स्वस्थ है, निरोग है, कोई बीमारी नहीं है, दौलत उसके पास हो चाहे ना हो लेकिन फिर भी सुखी है। अंत में दोस्तों हुआ ऐसा कि जिस समय वो निकल करके वहां से जल में स्नान करने के बाद चल देता है, बाद में कि जैसा था वैसा शरीर हुआ लीला ही अजब निराली थी। क्या थी भगवान की गति? जैसा था वैसा शरीर हुआ लीला ही अजब निराली थी, लीला ही अजब निराली थी, नहीं भोजन उसको मिला कहीं। नहीं भोजन उसको मिला कहीं, पैसों की बड़ी लहकारी थी। नहीं शक्ति रही बदन में कोई, आगे की सीध लगाई है एक मंदिर में प्रसाद मिलो। एक मंदिर में प्रसाद मिलो, खाकर बेहोशी आई है। भक्तजनों जिस समय वो बेचारा जिसके पेट में कुछ भी नहीं था, भूखा प्यासा बेहोश होता हुआ गिरता उछलता हुआ आगे के लिए बढ़ जाता है, एक मंदिर में थोड़ा सा प्रसाद मिला, उस प्रसाद को खाने के बाद बेहोश हो गया और वहीं लेटा हुआ रह गया रात में। लेकिन भगवान की लीला कुछ अलग थी, कुछ अलग थी। अरे अरे गति अपरंपार, बाको राजा खतम भाओ। अरे गति अपरंपार, बाको राजा खतम भाओ। अरे सुबह मिले जो मंदिर पे महारानी विचार कियो, मिल जाएगा उसी को हम अपना पति बनाएंगे, उसी को राज्य कहूंगी, सेवा करूं सदा उसकी, पति उन्हें बनाऊंगी। सुबह ही गए सिपाही, अरे सुबह ही गए सिपाही, और राम सिंह को पकड़ संग में गए बुलाई है। हरी की लीला है न्यारी, हरी की लीला है न्यारी।